हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का टॉपिक है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइन हुआ है, डिफाइन करता है सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें से कभी ना कभी सवाल पूछते हैं उस पर। दूसरा, जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सेक्शन वाइज बताऊंगा, दूसरा एग्जाम्पल से बताऊंगा। जब एग्जाम्पल से बताऊंगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, इसको मैं पहले डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब इसका एग्जाम्पल बताओ, इंश्योरेंस सेक्टर, इवेंट अगर होगा या ना होगा उस पर डिपेंड करता है, उसको हम कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ये पहला पिक्चर देख रहे होगे, एक घर बना हुआ है और ऊपर से पैसा है। मान लीजिए आपके घर पे एक बिजली वाला आता है और वो घर पे वायर्स एंड केबल्स वाला पूरा काम करके जाता है, तो घर का ऑनर उसको कहता है कि भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि घर पे आप आग लगा दोगे। उनको विश्वास नहीं है कि जिस तरह से वो वायर्स और केबल्स का काम कर रहा है। तो बिजली वाला उनको बोलता है कि भाई साहब अगर आग लग गई ना तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। अगर आग लगी तो वो 10,000 रुपए देगा, और अगर आग नहीं लगी तो वो 10,000 रुपए नहीं देगा। इसको कहते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इवेंट का होना ना होना इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए ये दूसरा वाला देख रहे होगे, एक कैमरा लगा हुआ है, एक फिल्म सेट है। फिल्म प्रोड्यूसर एक इंश्योरेंस सेक्टर के पास जाता है, बोला कि मेरा ये फिल्म सेट लगा हुआ है, आप प्लीज मेरे इस फिल्म सेट का इंश्योरेंस कर दीजिए कि अगर फिल्म सेट पे आग लगी तो मुझे आप 50 करोड़ रुपए दोगे। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है, हाँ ठीक है, हम आपको इंश्योर करके देते हैं कि अगर आपके फिल्म सेट पे आग लगी तो मैं आपको, इंश्योरेंस कंपनी उसको 50 करोड़ रुपए देगी। किसको? फिल्म प्रोड्यूसर को। अगर आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको 50 करोड़ रुपए देंगे, अगर आग नहीं लगी तो क्या इंश्योरेंस वाले उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे। तो डैट इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 31 कहता है इवेंट हैपन या नहीं होने पर, इवेंट होगा या नहीं होना इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, इसकी पहली डेफिनेशन आप पढ़ो, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, यानी चीज होने पे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगी। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर गया बैंक के पास, उससे बोला कि मुझे 50 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक ने उसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखी तो बोली कि नहीं, मुझे तो आप पे भरोसा है नहीं, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखने के बाद हम आपको 50 करोड़ का लोन नहीं दे सकते। तो ट्रेडर बैंक को कहता है कि मेरा एक सामान बाहर से आ रहा है जिसकी वैल्यू 60 करोड़ है या 70 करोड़ है, कुछ भी मान लीजिए, शिप के साथ आ रहा है, और वो आप रख लीजिए और मुझे 50 करोड़ का लोन दे दीजिएगा। तो बैंक कहती है ठीक है, अगर वो शिप सक्सेसफुली पोर्ट में आ जाती है तो हम आपको 50 करोड़ का लोन ग्रांट करेंगे। तो क्या मैं कह रहा हूं, इवेंट हैपनिंग की बात हो रही है। अगर शिप सक्सेसफुली पहुंच गया तो बैंक उस ट्रेडर को 50 करोड़ का लोन देगी। तो ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 32 क्या कह रहा है, इवेंट हैपनिंग की बात हो रही है। क्लियर? सेक्शन 33 पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है, पहला लाइन पढ़ो आप, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। ये कह रहा है इवेंट ना होने पे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल होगा, उधर है इवेंट हैपनिंग पे, अब इधर कह रहा है ना होने पे। तो ना होने के एग्जाम्पल कैसे, अब देखिए वो ट्रेडर गया था बैंक के पास, तो बैंक ने क्या बोला था, शिप अगर सक्सेसफुली पोर्ट पे आ जाएगी तो मैं आपको 50 करोड़ का लोन दूंगा। और सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि ट्रेडर के इंश्योरेंस के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उसने बोला कि मेरा शिप इंडिया आ रहा है, अगर रास्ते में शिप डूब जाता है, मेरा सामान डूब जाता है, तो आप मेरे को इंश्योरेंस करके दो। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है हाँ ठीक है,
अगर उसकी शिप उसका शिप डूब जाता है और सामान डूब जाता है तो इंश्योरेंस वाले उसको उसको कॉम्पनसेट करके देंगे, मतलब इंश्योरेंस इंश्योर वैल्यू करके देंगे, जो भी वैल्यू होती है। तो ये बात, ये इवेंट नॉट हैपनिंग की, उधर बैंक चाह रहा है कि सक्सेसफुली शिप आ जाए और इधर ट्रेडर चाह रहा है कि अगर डूब जाता तो मेरा पैसा मुझे लौटा देना। ये है सेक्शन 33। क्लियर हो गया आपको? अब बढ़ते नेक्स्ट लेवल, सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये डिफाइन करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। आप नीचे ना एक पिक्चर देख रहे होगे जिसमें दो सफेद कलर के हैं बंदे हैं और एक नीले कलर का एक है। आप ऐसे मान लो दो सफेद कलर का आदमी है और एक जो नीले कलर का वो एक फीमेल है, तो उसमें से दो आपस, एक एक व्हाइट कलर दूसरे व्हाइट कलर आदमी को बोलता है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते हो तो मैं तुम्हारे को 10 करोड़ का लोन दे दूंगा, तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं 10 करोड़ का लोन दे दूंगा। अगर वो शादी करता है उससे तो उसको 10 करोड़ का लोन मिलेगा, अगर वो शादी नहीं करता है तो उसको वो लोन नहीं मिलेगा। तो ये डिफाइन करता है सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे। ये क्लियर है? आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक अमीर बाप बोलता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, तुमसे बहुत प्यार करती है, तो तुम्हारे बिजनेस पे मैं 50 करोड़ 30 करोड़ का पैसा लगाऊंगा। तो इट इज बेसिकली सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है? चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है 1872, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए सेक्शन 35 कहता है कि आप पहला वाला देख रहे होंगे, एक बैंक है एक शिप है। मैंने आपको क्या बोला था सेक्शन 32 में कि बैंक ने बोला कि अगर शिप सक्सेसफुली आ जाती है इंडिया तो मैं आपको 50 करोड़ का लोन ग्रांट करूंगा। उस समय सेक्शन 32 में बैंक ने कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया था। अब सेक्शन 35 कह रहा है कि बैंक ने बोला ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर शिप तुम्हारा सक्सेसफुली पोर्ट पे आ जाती है तो मैं आपको 50 करोड़ का लोन करूंगा, लोन ग्रांट करूंगा। इधर क्या किया बैंक ने, एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी कि 6 महीने। उसी तरह से इंश्योरेंस, आप नीचे देखोगे उसी तरह से इंश्योरेंस वालों ने भी किया कि अगर शिप 6 महीने के अंदर अगर डूबती है या 6 महीने के अंदर अंदर सामान पूरा डूब जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से तो हम आपको जो इंश्योरेंस की वैल्यू है वो हम आपको देंगे। तो इधर बैंक ने क्या किया, टाइम बांध दिया। इंश्योरेंस वालों ने क्या किया, टाइम बांध दिया। ठीक है? दैट इज अ सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो क्या बोलता है डेफिनेशन, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम बिकम वॉइड। अगर इस टाइम के अंदर अंदर चीज हो गई तो ठीक है, नहीं होती है तो वो नहीं होगी। दैट इज अ सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत सिंपल है, ये कह रहा है कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस। देखिए कोई भी चीज अगर इम्पॉसिबल इवेंट है जो नहीं हो सकती है वो वॉइड हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाना, दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं, किसी महिला की शादी हो रही है, एक फादर कह रहा है तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं 10 करोड़ का, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। ये सेक्शन 36 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिफाइन करता है। आई एम श्योर गाइस आपको कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विशिंग यू द लक, बाय बाय।